बेरोजगारी दर तो घटा है ना छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल घटा है, उसी बात पे तो आ रहा हूँ। आप कुछ कर रही है ना, आप बंसाली जी बात पूरा करने दीजिए, आपका वक्त आएगा निकंदे आप बताइए, बोलने का मौका दीजिएगा। आप सम्मानी है मेरे तो वरिष्ठ है, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अब अगर बात करें बेरोजगारी दर घटने की तो आप एक बात समझिएगा, उसमें आपका योगदान कितना है वो तो हमारे प्रवक्ता महोदय ने बता दिया कि आत्मदा ही आपका बड़ा योगदान है। और एक और योगदान है आपका, 49 विधायकों को रोजगार मिल गया है आपके शासन में। और अगर इसकी बात करें कि बेरोजगारी दर घटी क्यों है, निसंदेह घटी है बेरोजगारी दर, लेकिन घटी क्यों है, जब से लॉकडाउन खुला है तो रोजगार केंद्र उद्योग धंधे बनते हैं। और छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है भंसाली जी कि छत्तीसगढ़ में अभी खरीफ फसल की बुआई का समय है, और इस बुआई के समय में लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार स्वतः ही मिल जाता है। इसमें सरकार की किसी प्रकार की अगर योगदान की बात करेंगे तो क्षमा चाहूंगा, सरकार का कोई योगदान नहीं है। मनरेगा की बात करेंगे, बुआई तो दूसरे राज्यों में भी होती है, ठीक है नितिन जी, आप देखिए आप रुकिए, हाँ बोले नितिन जी। देखिए लॉकडाउन लगा कोरोना काल के दौरान, इसके बाद देखिए अप्रैल माह से छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पॉलिसी बनाई इसमें राज्य की औद्योगिक इकाइयां शुरू हुई, जिससे 100% छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिला। लाखों मजदूर जो छत्तीसगढ़ से काम करने के लिए अन्य प्रदेशों में बाहर गए थे वो वापस आए, उनको और छत्तीसगढ़ के मजदूरों को, दोनों को औद्योगिक इकाइयों में भी रोजगार मिला। साथ ही सरकार ने समानांतर रूप से मनरेगा में इस प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिसके तहत लाखों मजदूरों को, लाखों लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला। और इसमें केंद्र सरकार ने भी छत्तीसगढ़ राज्य की रोजगार के मामले में, मनरेगा में रोजगार देने के मामले में तारीफ भी की है और अवार्ड भी दिया है। तेंदुपत्ता जो था वो प्रति बोरा मानक 2500 रुपए था, उसको बढ़ाकर राज्य सरकार ने 4000 रुपए किया। राजीव गांधी किसान योजना के तहत, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम देखें, इस दौरान लॉकडाउन के दौरान ही राज्य सरकार ने किसानों के खातों में सीधा पैसा डाला, इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, यदि हम बात करें अभी राज्य सरकार ने, नितिन जी एक मिनट, नितिन जी 24% रोजगार का हिस्सा पूरे देश में मनरेगा के तहत जो मिलता है वो छत्तीसगढ़ का रहता है, इसमें मनरेगा का इन आंकड़ों में डेटा इंक्लूडेड है। इसलिए सवाल यह है कि नौकरी का मतलब, रोजगार का मतलब छत्तीसगढ़ में केवल मनरेगा हो गया है क्या? बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है। मैंने उद्योगों की बात पहले की, हाँ मैंने उद्योगों की बात पहले की, आप देखिए तेंदुपत्ता संग्राहकों की भी मैं बात कर रहा हूँ। मैं अभी राज्य सरकार ये कहते हैं कि प्रदेश सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, देखिए हाल ही में गौधन न्याय योजना शुरू की, कल ही 1,46,00,000 रुपए किसानों का जो गौ पालकों से खातों में ट्रांसफर हुए, निश्चित तौर पर ये आगे भी होंगे। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अगली किस्त भी किसानों को जल्दी दी जाएगी। 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य किए जाने, समर्थन मूल्य घोषित किए जाने से, किसानों को दिए जाने से ये लाभ हुआ कि किसानों का खेती के प्रति रुझान बढ़ा। और ये तो कह रहे हैं कि खेती किसानी तो हर साल होती है, तो भाई अन्य राज्यों में भी खेती किसानी हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ युवाओं के बारे में कुछ बोल दीजिए ना आप, नितिन जी उनको भी थोड़ा संयम मिल जाएगा, थोड़ा उनको उम्मीद हो जाएगी आपसे। शिक्षित युवाओं के बारे में बोलिए सर, इसके बारे में, शिक्षित युवाओं के बारे में। देखिए शिक्षित युवाओं का जो मसला था, हाँ। हिंदी खबर ने हमेशा उसको महत्व दिया है, दो हाँ। बार तो खुद मैं डिबेट में बैठ चुका हूँ उस हाँ। मसलों पर। अभी कुछ देर पहले ये अभी कुछ और भर्तियों की भी बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि सारी चीजें, कोई भी चीजें निरस्त नहीं हुई है, कोई भी नियुक्तियां निरस्त नहीं हुई है। थोड़ा हाँ। संकट का एक समय है और ये पूरे देश के लिए है, क्योंकि तो छत्तीसगढ़ भी कोई इससे अछूता नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले हमारी स्थिति नहीं, दूसरे रोजगार आप दे रहे हैं तो उनको भी रोजगार दे दीजिए, उनकी भी नौकरियां रुकी हुई है। वंदना जी, शिक्षित युवाओं को मैं फिर वचन देता हूँ आपके न्यूज चैनल में, शिक्षित युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा और उनको उनका रोजगार मिलेगा। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो प्रोसेस रुका हुआ है वो भी बहुत जल्द शुरू होगा। और शिक्षा, हमारे शिक्षकों को, सब इंस्पेक्टरों को, और जो भी भर्तियां इस प्रदेश में जो रुकी हुई है वो सारी भर्तियां पूरी होंगी। और हम इनके जैसे जुमला नहीं करेंगे, डिबेट शुरू होते ही उन्होंने बोला कि ये मीडिया मैनेजमेंट में बड़े, अरे मीडिया मैनेजमेंट में एक्सपर्ट कौन है जुमले करने में, एक्सपर्ट कौन है ये स्थिति को। ठीक है, रुकिए आप, न्याय योजना की अनुराग जी अब आप बोलिए, उसके बाद मैं रावण जी के पास जा रही हूं। जी
मैं बिंदुवार नितिन जी की बातों पे आना चाहूंगा। नितिन जी ने भी एक बड़ा बात कही कि 1,64,000 गोधन न्याय योजना के तहत दी गई। नितिन जी पूरा बताना भूल गए, उसमें लिखा है 1,64,000। नितिन जी मैं पूरी बात करने दीजिए, आपसे अनुरोध करूंगा, वरिष्ठ हैं आप पूरी बात बताना भूल गए। वो पूरी लाइन ये है कि 64,000 गौ पालकों को 1,64,00,000 की राशि 15 दिन में दी गई। अगर आप उसको भागित करेंगे तो 350 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति गौ पालक मात्र आता है। और एक बात और कहूंगा, अरे देना शुरू तो किया है, स्टार्टिंग है। आप लोगों पर इस योजना से समस्या क्या है थोड़ा मुझे ये बताइए। आप समस्या बताइए योजना से क्या है, जहाँ पर आप छत्तीसगढ़ के भाव से विकास की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, योजना पर डिस्कस करने के लिए बैठे रुके। शराबता इल्जाम जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें वाकई छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर है कि रोजगारी दर बढ़ी है, जबकि बेरोजगारी दर दूसरे राज्यों के मुकाबले में कम हुई है। इस पर सियासत क्यों हो रही है? देखिए लॉकडाउन के बीच जब पूरा बाजार बंद है, अब छत्तीसगढ़ में जो एक बड़ी एजेंसी है जो केंद्र सरकार के संस्था है वो अगर ये रिपोर्ट दे रही है तो ये विचारणी प्रश्न है, ये किस तरह से कैसे रिपोर्ट आ रहा है, इसमें सरकार के कामकाज कैसे हैं और जनता के बीच क्या संदेश है, ये पूरी चीजों को बहुत बारीकी से समझना होगा। बेरोजगारी दो प्रकार के होते हैं, एक कुशल बेरोजगारी या कुशल बेरोजगारी। तो अभी जो है जो ये जो पूरी योजना में जो बेरोजगार जो कहा जा रहा है वो कुशल नहीं अकुशल जो मजदूर है जो मनरेगा के तहत काम किए, बहुत अच्छी तरीके से जो केंद्र सरकार ने मनरेगा की जो योजना बनाई है उस योजना का छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत बढ़िया उपयोग किया। केंद्र सरकार के बजट राज्य सरकार के बजट का उन्होंने उस दौरान, क्योंकि मजदूर भारी संख्या में अलग अलग राज्यों से छत्तीसगढ़ के जो मूल मजदूर है वो वापस लौट रहे थे, उन मजदूरों को काम की जो समस्याएं थी उन मजदूरों को मनरेगा के तहत अलग अलग योजनाओं में भयंकर ज्यादा काम दिए गए। तो इसलिए ये स्थितियां उत्पन्न हुई है कि जो गांव के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान है, जो खेतिहर मजदूर है, जो श्रमिक है, उसको भरपूर काम इस दौरान मिला है और वो भी राज्य सरकार की योजनाओं को। देखिए राज्य सरकार ने इस दौरान बहुत अच्छे से अपनी योजनाओं को जो जो योजनाएं लागू की है उन्होंने, जो योजनाएं पहले की योजनाएं हैं नई योजना चालू की है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो योजना बनाई थी उन योजनाओं को लागू करने में बहुत तत्परता दिखाई, बहुत मैनेजमेंट उनका अच्छा था, इसलिए इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई है। जिस तरह की जो बातें हो रही है कि वो बेरोजगारी इस दौरान जो शिक्षित बेरोजगार है वो कमी हुए हैं, उनकी स्थिति कमी हुई है। जो शहरों में काम करते थे, दुकानों में काम करते थे, जो यहाँ शहरों में ठेला लगाते थे या जो लड़के कहीं कहीं नौकरी कर रहे थे संस्थाओं में, उनके सामने एक अभी नौकरी की समस्या, रोजगार की समस्या उत्पन्न हुई है क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरा बैठा हुआ है। परंतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूती के कारण सरकार की योजना है, जो योजना का बेहतर क्रियान्वयन के कारण ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को जो है एक तरह से ये देखा जाए कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम कर हम जो लोगों जो जरूरतमंद लोग हैं उनको काम दे सकते हैं, इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये नजरिया नहीं होना चाहिए कि इसको किसको काम नहीं मिला किसको काम मिला, ये एक अलग अलग तरीके से सरकार इसकी समीक्षा करती रहेगी। अब यहाँ तक शिक्षित बेरोजगार है तो शिक्षित बेरोजगार में पद खाली होंगे, सरकार की वैकेंसी निकलेगी, सब शिक्षित बेरोजगार होंगे तो अकेले हम सरकार के भरोसे रोजगार की बात नहीं कर सकते। जहाँ तक प्राइवेट जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी इन दिनों रोजगार नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनको उत्पादन ढप है, वहां पे नई नौकरी नहीं है और नया उद्योग खुल नहीं रहे, क्योंकि ये पूरे विश्व में इस तरह की स्थितियां अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। तो अर्थव्यवस्था को दो तरीके से देखना पड़ेगा और दो तरीके से समीक्षा करनी पड़ेगी, तब ये बेरोजगारी के इस सर्वे को समझा जा सकेगा। जी ठीक है, अनुराग जी आप इत्तेफाक रखते हैं रामता जी की बात से, वो कह रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार ने जो काम किया, जो जरूरतमंद थे खासतौर पर रोजगार उस दौरान मिला है जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, आर्थिक मदद सरकार ने की है। देखिए
जो बात आप कह रहे हैं वही बात राम अवतार तिवारी जी कह रहे हैं कि रोजगार की दो व्यवस्था है, एक अकुशल श्रमिक की और एक कुशल श्रमिक की, एक कुशल लोगों की या पढ़े लिखे लोगों की। जो आपने कहा जो नितिन भंसाली जी से वही सच है कि इन्होंने मनरेगा के रोजगार को ही वास्तविक रोजगार समझ लिया है। आप एक बात समझिएगा, रोजगार का सृजन अधोसंरचना विकास में ही होता है। इनकी सरकार जब से बनी और उसके सातवें दिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बड़े मंच से कहा था कि सड़क पुल पुलिया और नाली का निर्माण ही असली विकास नहीं है। तो हमारा वही कहना है कि 18 महीनों में इन्होंने अधोसंरचना में एक भी पैसा खर्चा नहीं किया है, इन्होंने एक भी भर्तियां नहीं की। आप देखिए 14,000 सहायक प्राध्यापकों के पद खाली है, 2300 अपने पुलिस भर्ती परीक्षा के पद खाली है, इन्होंने सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पद खाली है, पीएससी इन्होंने करवाया नहीं है। वास्तव में हो ये रहा है कि इन्होंने जो मनरेगा में जो रोजगार मिले और अभी खरीफ फसल होने के कारण बुआई में जो रोजगार मिले उसके कारण ये जो रोजगार वृद्धि दिख रही है, बेरोजगारी दर में कमी दिख रही है, उसको ये आधार बनाकर, यानी भविष्य के लिए आप इसे अच्छा संकेत नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल गलत संकेत है, क्योंकि अभी तक ये अधोसंरचना मतलब खर्चा प्रारंभ किए ही नहीं है और 18 महीने में प्रदेश में 18,000 से ऊपर का कर्जा लेके प्रदेश को कर्ज में डुबा दिया। वास्तव में अगर वास्तविक रोजगार की बात करेंगे तो शिक्षित लोगों को जो रोजगार मिलता है उनमें भर्तियां प्रारंभ करनी चाहिए। इन्होंने आपको मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए। आज ये कहते हैं कि देश में और लोगों के आंकड़े देखेंगे, लॉकडाउन में पूरे देश में पूरी जगह में सारे प्रदेशों में आंकड़े ऊपर हो गए थे बेरोजगारी के, सारी जगह कम हुई है, उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में ही कम हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी शिक्षितों को अन्य राज्यों में बड़े हैं आंकड़े। अरे आप डिबेट शुरू होने से पहले आंकड़े बताए, अन्य राज्यों में 13 हो गए, 16 हो गए, 36 में कम हुआ है, तो इनको ठीक है। नितिन जी, इनका बेसिक सवाल फिर से वही है कि शिक्षक जो युवा है उनके लिए आप भर्तियां नहीं दे रहे हैं, मनरेगा को ही केवल रोजगार समझ लिया सरकार ने। अभी जो अति आवश्यक चीजें हैं वो की जा रही हैं और उसके तहत आप देखिए जब केंद्रीय एजेंसी ने ही सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद केंद्रीय एजेंसी ही अगर इस चीज को बता रही है और उनके राज्य की यदि तारीफ, इनकी केंद्र सरकार की कोई बात की यदि तारीफ कर रही है तो ये बोल रही है कि एजेंसी सही है और राज्य सरकार का सर्वे करके यदि ये कोई चीज आंकड़े दे रही है तो गलत है, तो पहले तो ये इसी बात में गलत हो गए। दूसरी ये बात जो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों की, तो इन्होंने पढ़े लिखे लोगों को क्या दिया मुझे बताइए वंदरा जी, मैं आपको बता रहा हूँ 15 सालों में पंजीकृत और अपंजीकृत मिला के यदि आंकड़ा, ये आंकड़ा यदि हम देखें तो 40 लाख से अधिक युवा, शिक्षित युवा इस प्रदेश में बेरोजगार है। आप उनको सरकार से इस बात को भी कर लेंगे, हमारी सरकार नितिन जी वो कह रहे हैं कि हमें तो सुना दे दिया, हमने नहीं किया उनके लिए तो हमें उन्होंने वोट नहीं दिया, आपको सरकार बैठा दिया, लेकिन आपने तो वादा किया, आपको तो वादा पूरा करना पड़ेगा। और आपने फिर 10 लाख बेरोजगारों को 25% की बात क्योंकि जब 40 लाख बेरोजगार है आपके हिसाब से, तो 10 लाख बेरोजगारों को 25% प्रोत्साहन राशि की बात क्योंकि जिसमें भी आज आपका खड़े नहीं उतर पाए उसके बाद दीजिए नितिन जी। अरे तो इसका मतलब ये भी हुआ, इसका मतलब अन्य बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार राज्य सरकार उनको रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। बेरोजगारी भत्ते का विवादन किया था आपने, बेरोजगारी भत्ता का विवादन सरकार ने किया था। हम बेरोजगारी दूर करने के और अभी प्रयास कर रहे हैं, बेरोजगारी किसी भी स्तर पर बेरोजगारी प्रदेश से दूर हो और योग्य व्यक्ति को रोजगार मिले। यदि ये कोरोना काल वाली स्थिति जो है, पूरा संकट पूरे देश में जो संकट आया हुआ है वो छत्तीसगढ़ में इससे अछूता नहीं है, यदि ये चीजें नहीं हुई रहती तो निश्चित तौर पर हम बहुत 50 से 60% चीजें हम अभी तक से पूरी कर चुके होते। और आप देखिए हमारे मैनिफेस्टो को, हम जो कहे हैं वो हम कर रहे हैं, चाहे वो लघु वनोपज खरीदी की बात, चाहे वो तेंदुपत्ता संग्रहणों को जो उनके समर्थन मूल्य के प्रति मानक 2,25 को 4,000 करने की बात हो, चाहे किसानों के धान के समर्थन मूल्य को 2,500 रुपए देने की बात हो,
चाहे बिजली बिल हाफ हो या किसानों का कर्जा माफ हो, सारी चीजों के सारे वादे हमने पूरे किए हैं और आगे भी जो वादे हमने किए हैं उसको पूरा करने। ठीक है, अनुराग जी, सवाल मेरा आपसे है कि विपक्ष में बैठने के बाद ही ये सारी चीजें क्यों याद आती हैं, क्यों युवाओं की चिंता हो रही है, पहले क्यों नहीं की, ये सवाल कांग्रेस भी आपसे पूछ रही है। मैडम एक बात बताइएगा, अगर छत्तीसगढ़ में रोजगार की बात करें, पीएससी अगर रेगुलर चालू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चालू हुआ था। 1,00,000 अगर पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था। 2 साल सुनने की आदत डालिए, बात होता ये है कि आप बात सुनने की जगह बोलते तो नितिन जी आपका मौका है तो बोलिए ना, मैं शांति से सुन पाऊँ आपको, मुझे कृपया मौका दीजिए। सवाल अनुराग जी, सवाल वही कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह ने जब शिक्षा कर्मियों की भर्ती की तो 800, 1,000 और 1,200 देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उनको शिक्षा से शिक्षा कर्मियों को शिक्षकों में सम्मिलित किया गया। 1,00,000 शिक्षा कर्मियों की भर्ती हमारे शासनकाल में हुई है। कौशल उन्नयन के बाद ये एकमात्र राज्य था छत्तीसगढ़ जिसने कौशल उन्नयन का कानूनी अधिकार दिया था। मैडम मतलब एक अकुशल श्रमिक कुशलता प्राप्त करके उस शिक्षा को उस नौकरी को प्राप्त करता था। वास्तव में बात यह है मैडम जी, नितिन जी की बातों में विरोधाभास होता है। जब आपने इतनी विकास की गंगा बहा दी, इतने रोजगार दिए, फिर लोगों ने आपको क्यों नकार दिया? मैं वही बात कर रहा हूँ, तीन बार नकारने के बाद आपको स्वीकार भी तो करना पड़ेगा कि तीन बार यहाँ की जनता ने हमें मौका दिया, चौथे बार ये कांग्रेस के भ्रम जाल में झूठे वादे में आकर उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा किया। लेकिन देखिए ये जो बातें करते हैं नितिन जी की, हमने पूरा का पूरा वादे पूरे कर दिए। आप 50 कहते थे कि 40,00,000 आपके मैनोफेस्टो में लिखा है कि 10,00,000 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, मतलब 40,00,000 से 10,00,000 को आप स्वयं मान लिए, उसमें आप खड़े नहीं उतर पा रहे। आपकी बात आगे नितिन जी तक बोल दीजिए। अगला मैंने बोला और आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्या किया आपकी सरकार ने 15 साल, घास खिला आपकी सरकार ने 15 साल। अरे नितिन जी, आपकी शासन आ गया है, 2 साल आपका शासन हो गया, आपने अब क्या किया ये बोलिए, जनता तो आपके जी अब कोरोना का हवाला दिया जा रहा है कि बेरोजगारी जो दर है वो खतरे की अच्छी खबर है, लेकिन भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा, जो युवा शिक्षित है उनके लिए सोचना पड़ेगा। विपक्ष में बैठकर ही क्यों याद आती है? देखिए, युवकों को आत्मनिर्भर बनाने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने, उनके शिक्षित करने, उनको कौशल उन्नयन के तहत उनको प्रशिक्षण देने, इस दिशा में सरकारों को काम करना होगा। सरकार को बनाने अभी बड़ी चुनौती है क्योंकि ज्यादातर जो प्रदेश के जनसंख्या में युवा ज्यादा है, उन युवाओं को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनकी सोच, उनकी शिक्षा और उनके आत्मविश्वास को आप कैसे रोजगार से जोड़ पाएंगे, ये चुनौतियां सरकार के सामने अभी बाकी है। उस दिशा में काम करना पड़ेगा, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए अभी नौकरी में जो जैसे कि वादा कांग्रेस ने किया भी है कि हम नौकरी देंगे और कुछ पद भरेंगे, तो वो प्रक्रिया भी जब शुरू होगी तो उस दौरान जो युवकों को रोजगार मिल पाएगा और एक लोगों को विश्वास हो पाएगा। अभी ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए बहुत संकट के समय इस सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दी है। मनरेगा के अलावा बहुत सारे कृषि की योजनाएं थी, अलग अलग तरीके से उन योजनाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जैसा गोधन योजना है वो भी एक तरह से लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, जो लोग गाय पाल रहे हैं, जिनके घर गाय है, गौरक्षक हैं, तो अलग अलग तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लोग ग्रामीण लोगों को रोजगार देके उनके सामने जो एक जीवन मरण का संकट उत्पन्न हो रहा है उसको सरकार ने पूरा करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं इस राजनीति से हटकर इस रिपोर्ट का स्वागत करना चाहिए, किसी वर्ग के लिए सरकार ने किया तो है, अब जो वर्ग पर नहीं कर पाई है उन वर्गों पर विचार करना पड़ेगा और उनके उनके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। ठीक है अनुराग जी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार बार बार कदम उठा रही है, क्या वो आपकी बौखलाहट है? क्योंकि कांग्रेस भी बार बार ये कहती है कि हम लोग ग्रामीण लोगों के बीच में अपनी पैठ बना रहे हैं, इसलिए बीजेपी परेशान हो गई है। देखिएगा,
असल में भूपेश बघेल जी कर क्या रहे हैं कि जो आदिकाल से खाना परंपरागत रूप से छत्तीसगढ़ में किसान लोग जो व्यवस्थाएं करते हैं उनमें वह सरकारी ठप्पा लगा रहे हैं। आप जहां तक गौधन न्याय योजना की बात कर रहे हैं पूरा सुनिएगा, इनके ही आंकड़े बता रहा हूं मैंने अभी। हाँ बिल्कुल, इन्होंने आज कल 1,67,00,000 रुपए इन्होंने जो जारी की है वो 46,000 गौ पालकों को दी है। 15 दिन में अगर उसको भाग देंगे तो 350 रुपए प्रति गौ पालक मिलता है। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ की संस्कृति में गोबर को हमेशा से खातों के रूप में उपयोग किया जाता था और गोबर की बिक्री की जाती थी। बस इन्होंने उसमें सरकारी ठप्पा लगा दे, किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि इन्होंने कतई देख नहीं की है। मनरेगा का काम जैसे आपने कहा, जैसे राम अवतार जी ने कहा कि केंद्र सरकार की एक अच्छी मनरेगा की योजना पर मंत्रालय जी लास्ट कॉमेंट में आपसे ले रहे हो। अनुराग जी रुकिए, हाँ नितिन जी, नितिन जी लास्ट कमेंट, आपसे इनके सवाल का जवाब दीजिए आप, और उम्मीद क्या देंगे आप उन युवाओं को जो आपकी तरफ आके बिठा कर बैठे हुए हैं, पूरा करेंगे आप लोग? प्रदेश के सारे उन योग के युवाओं के साथ राज्य सरकार खड़ी है, उनको उनके हक की नौकरी निश्चित तौर पर मिलेगी। हमको जनता ने जनादेश 5 वर्षों के लिए दिया है, हमने जो वादे किए हैं वो हम पूरा करेंगे, इसका हम वचन देते हैं। साथ ही गौधन न्याय योजना की जो बात हो रही है, मैं आपको ये बता दूं कि आप देखिएगा 1 से 1.5 महीने में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के जो प्रतिशत में और कमी आएगी, क्योंकि छोड़ कर बैठे गांव के उस व्यक्ति को जब इस योजना के तहत रोजगार मिलेगा और उसके खातों में जब पैसा जाएगा, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी तो रोजगार और भी मिलेगा। जो शिक्षित युवा है जो इंतजार में बैठे हैं उनको भी, क्योंकि आप भरोसा दे रहे हैं कि वादा हम पूरा करेंगे, उनको भी रोजगार देंगे, उनके भी दिन बहु रहेंगे। या तो आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक ये वादे पूरे होंगे, लेकिन फिलहाल सियासत इस मामले पर जारी है कि बेरोजगारी दर तो कम होगी लेकिन युवा अभी भी परेशान है। चर्चा में इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।